देख रहे हो बिल्कुल सुनसान सड़के। भाई इस बैग में है क्या तुम्हारे? लूट मचा दूंगा लूट। स्वागत है सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ जागेश्वर धाम में। अभी हम लोग रुके हुए थे जागेश्वर में, और ये पीछे जो रूम देख रहे हो, कल शाम हम लोग यहाँ पर आ चुके थे और यहाँ पर हमने स्टे किया है। कुमाऊँ विकास निगम का जो होटल्स हैं उसमें हमने स्टे किया, साथ में मेरे दो ब्रदर्स हैं बाहर वेट कर रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम और वहाँ पर टेम्पल को घूमेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे सारी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं फिर अपने आज का ब्लॉग। तो अभी आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या सीन्स हैं बाहर के। ये कुछ रूम था जहाँ पर अभी हम लोग रुके हुए थे, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ पर, बट खाने का सीन थोड़ा सा कोई खास अच्छा नहीं था, बाकी सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। काफ़ी बड़ा स्पेशियस रूम था। निकलते हैं यहाँ पर और भाई लोग सब जा चुके हैं, लॉक चेक करते हैं यार ज़रा। सब लोग नीचे जा चुके हैं दोनों, लॉक पता नहीं कहाँ रख दिया इन लोगों ने। लॉक सर्च करते हैं। ओके हियर वी हैव दिस लॉक। तो अब हम टेम्पल की तरफ जा रहे हैं, टेम्पल देखते हैं। अभी सुबह के 8:30 हो चुके हैं, जल्दी से यहाँ से दर्शन करके फिर निकलना भी है। पीछे KMVN जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, और ये कुछ होटल है दिखाई दे रहा होगा। स्पेस तो बहुत है भाई हमारे होटल में, बट अभी तक खाने के लिए तो भाइयों लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। और यहाँ दोनों भाई पीछे खड़े हुए हैं, और ये एक रिवर है जो निकलती है बिल्कुल KMVN के सामने। देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से जाती हुई रिवर, वो निकल रही है वहाँ से माता को। और आगे जाके टेम्पल है अभी हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ दोनों दोस्त खड़े हुए हैं। और ये पीछे KMVN है, और पीछे मेरे और बैकग्राउंड में अगर मैं लेके जाऊँ तो पीछे देखो बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अभी हम वॉक करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल खाली है, कोई टूरिस्ट टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर, बस हम ही हैं टूरिस्ट के नाम पर। तो यहाँ मेरे पीछे वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है जागेश्वर का म्यूज़ियम, अभी बंद है, और देखते हैं अभी वापस आते हुए अगर खुलेगा तो। वैसे लगता नहीं है कि ये सब खुलेगा यहाँ पर। और पीछे रोड कुछ ऐसी है, यहाँ से हम वॉक करते हुए आ रहे हैं और सीधे आगे जा रहे हैं। ये है प्रसाद, इन लोगों ने प्रसाद ले लिया है। तो ऐसी अंकल की कुछ शॉप थी और ये हमने जो है प्रसाद लिया है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और अब चलते हैं अंदर भाइयों के साथ। और अभी हमें शंख सुनाई दे रहा है सुबह सुबह जागेश्वर धाम में, और ये कुछ ऐसा सा व्यू है। यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, ये है टेंपल का गेट जागेश्वर धाम का। भाई लोग एंट्री कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ जरा। भाई कुछ ऐसा सा ये टेंपल है जहाँ हम एंटर हुए हैं, ये देखो पूरा दिखा रखा है स्ट्रक्चर। बहुत पुराना टेंपल है यार जागेश्वर जी का, इस तरीके से मॉन्यूमेंट्स लगे हैं, इन पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है यार। ये है वो टेंपल जागेश्वर जी का जिसमें अभी अंदर हम प्रसाद चढ़ा के आए हैं। अंदर की फोटोग्राफी मैंने नहीं करी यार, थोड़ा मुझे भी पसंद नहीं है, और वैसे भी आप आओ यहाँ पर और आकर दर्शन करो, उसके मज़ा एक अलग ही है। लेकिन मैं आपको पूरा एक व्यू दे दूंगा कि किस तरीके का कैंपस है यहाँ का। तो ये है मेन टेम्पल श्री जागेश्वर जी धाम का, ये आप देख सकते हो। और अंदर बहुत ही खूबसूरत शिवलिंग से विराजमान है जागेश्वर जी, बहुत ही अप्रतिम दृश्य अभी हम लोगों ने देखा प्रसाद चढ़ाते हुए। यहाँ से होती है मेन एंट्रेंस, ये वाला जो गेट आप देख रहे हो ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस है अंदर जाने का। यहाँ से मैं आपको लुक दे देता हूँ सामने कहीं पर अंदर जाके जागेश्वर जी धाम और शिवलिंग। और ये बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं यहाँ पर, इसीलिए भाई ये सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर नंबर ऑफ टेम्पल्स आई थिंक 124 टेम्पल्स हैं कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर के। और अपने स्ट्रक्चर के लिए यार ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है जागेश्वर धाम। देखो ज़रा कुछ इस तरीके का लुक है, और वो सामने वो वहाँ पर वो है मेन टेम्पल, बहुत ही यूनिक यार। तो भाई ये जो टेम्पल देख रहे हो आप, इसको ये बता रहे हैं कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। ये देखो इसका लुक कुछ ऐसा है, कितना ज़्यादा हिस्टोरिकल दिख रहा है, श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर। और यही बिल्कुल रियल टेम्पल है, देख सकते हो आप। इसके अंदर भी हम जाने वाले हैं, जटा धरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए यहाँ पर, ज्योतिर्लिंग के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए यार हम लोगों के। अभी जरा यहाँ के जो टेम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं किस किस तरीके की। बिल्कुल एक यार देख रहे हो, भूल भुलैया टाइप बना रखी है, बिल्कुल बहुत पुराना आर्किटेक्चर है। दिस इज कुंड, ये कुंड बनाया हुआ है भाई यहाँ पर स्नान वगैरह करने के लिए। वाओ ब्यूटीफुल यार, लुक एट दिस व्यू, ये व्यू देखना आप जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो यार क्या कमाल के नज़ारे हैं, अप्रतिम। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है, जो ब्लू ब्लू वाले टेम्पल दिखाई दे रहा है ना, ये मेन टेम्पल है और यहाँ पर ज्योतिर्लिंग है। और आसपास का ज़रा नज़ारा देखो यार, इट्स ऑसम मैन। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए, जागेश्वर जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम पर भी अपनी कृपा बनाए अच्छे अच्छे से, हम दोबारा वापस यहाँ पर आएँ, हमारी मनोकामना पूरी करें
आप सभी की भी मनोकामना पूरी करें। एक ये मुख्य मंदिर है और एक वो वाला मुख्य मंदिर है, बाकी यहाँ पर सब जो है छोटे बड़े मंदिर हैं इसी तरीके के स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ऑल राइट गाइज, अभी मैं पहुँच चुके हैं, प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, ऊपर की तरफ पहुँच चुके हैं और यहाँ से नज़ारे कुछ इस तरीके के आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हो पीछे जो टेम्पल है वो है हमारा जागेश्वर धाम का ज्योतिर्लिंग और एक ये वाला टेम्पल है जो मेरे बिहाइंड में है। दोनों ही टेम्पल इंपॉर्टेंट हैं और बाकी सारे छोटे बड़े 124 टेम्पल्स हैं, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ का आप लुक ले लेना किस तरीके का आ रहा है। ये मॉर्निंग हमारी बहुत ही ज़बरदस्त रही है यार, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए हैं और अभी हम बस भाई लोग नीचे पिक्स वगैरह ले रहे हैं। वो पिक्स वगैरह लेने के बाद उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकल के अब हम लोग अल्मोड़ा पहुँचेंगे। अल्मोड़ा की जो फेमस मिठाई है बाल मिठाई भाई, वो हमें घर लेके जानी है। देखो ये दृश्य देख के ना बिल्कुल मन मुग्ध हो जा रहा है। पीछे वाला जो दृश्य है ये देखो यहाँ पर आप, ऑसम मैन ऑसम, बहुत ही बढ़िया। यहाँ हम थोड़ा सा हाइट पर हैं जिससे कि आपको एक पीछे का पूरा एक व्यू मिल सके। तो यार म्यूज़ियम हम लोगों ने घूम लिया है, अंदर जो है 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी के स्कल्पचर थे। अलाउड नहीं था भाई कैमरा वैमरा, तो इसलिए हम लोग ही घूम के चले आए, आप लोगों को ना दिखा पाए, लेकिन काफ़ी पुराने पुराने स्कल्पचर थे। अब चलते हैं, जरा नाश्ता करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ऑलराइट गाइस, यहाँ से नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। नाश्ता बहुत अच्छा बना हुआ था भाई, पूड़ी खाई हमने, पराठे खाए, दही खाई। तो रात के खाने से नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि शेफ यहाँ पर बदले हुए थे। अब हम चलते हैं, ज़रा पैकिंग वैकिंग करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कुमाऊँ विकास निगम का ये पूरा होटल है और बहुत ही बढ़िया होटल है, अच्छा है स्टे करने के लिए। फूडिंग वगैरह भी बहुत अच्छी मिल जाएगी अगर आप जागेश्वर में आ रहे हो तो, स्पेशली यहाँ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो भाई लोग अपना रेडी हो रहे हैं, चलते हैं हम लोग भी। यार अपना टाइम हो चुका है अब निकलने का, 11 बज चुके हैं, भाई रेडी, हम भी रेडी और बाइक्स हमारी वार्म अप हो चुकी हैं और अब हम निकल रहे हैं। जागेश्वर धाम सामने ही है, बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा, रात बहुत ही बढ़िया रही, बहुत ठंडी रात थी और सामने का व्यू कुछ ऐसा आ रहा है। और ये हमारा कुछ रिजॉर्ट था, सामने वाले रूम में हम थे, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रूम वूम कुमाऊँ विकास निगम की तरफ से, मस्ट रिकमेंडेड। नाश्ता बहुत ही ज़बरदस्त मिला यार, मज़ा आया नाश्ते में। गाइस ये हुई यहाँ से, रात में यार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जिस समय हम आए थे फुल डार्क था। ये पार्किंग वार्किंग है, अब लोग आने लगे हैं, रात में तो कोई भी नहीं था यहाँ पर। ये अपना एक भाई इधर, यहाँ का मार्केट ही है, आ जाओ। तो ये यहाँ का छोटा सा मार्केट और बाइक हमारी दौड़ चुकी है इस समय। रात में आए थे यार, कुछ भी पता नहीं चल रहा था हमें इस मार्केट का, और व्यू देख रहे हो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया शानदार, क्या बात है। रात थोड़ा हम लेट हो गए थे, लेट भी कुछ नहीं थे यार, 6:30 बजे थे, लेकिन फुल डार्क हो चुका था, तो ये व्यू हम मिस कर रहे थे। कोई बात नहीं, अब इधर से जाते हुए आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। ये रिवर जो है जागेश्वर के साइड से निकल रही है, जागेश्वर टेम्पल के साइड से। तो यार जागेश्वर जी का जो मंदिर है ना, वो नीचे की तरफ आके है। यहाँ पर रात में कोई भी नेटवर्क नहीं थे, कोई इंटरनेट नहीं था, केवल BSNL के थोड़े बहुत सिग्नल थे जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था। तो कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा हाइपर राइडिंग करेंगे अब, क्योंकि रूट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे इस समय पे। रात में तो हम स्लो चला के लेके आए थे, ज़बरदस्त ठंड यार, मस्त ठंड फील हो रही है यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है, बिल्कुल वैली में घुस गए हैं हम, घाटी में, घाटी में। तो ये है मेन रूट, पकड़ लिया है हमने मेन रूट और यहाँ से अल्मोड़ा है 33 किलोमीटर, बैजनाथ पड़ता है 95 किलोमीटर, ओ माय गॉड। तो अभी हमें जाना है यहाँ से सीधा, हम हेड करेंगे अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से यार कुछ परचेज भी करेंगे ज़रा खाने पीने का। यार अभी यहाँ से चिताई गोलू देवता का मंदिर 5 किलोमीटर रहता है और उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 5-7 किलोमीटर ही अल्मोड़ा रह जाता है। तो अभी का सीन कुछ ऐसे चल रहा है, भाई लोग पीछे काफ़ी स्लो चल रहे हैं, उनके साथ में मैचअप करना पड़ रहा है, इसलिए मैं भी स्लो चला रहा हूँ, अभी पीछे आ रहे हैं वो लोग। अपने को तो रोड चाहिए भाई, और रोड ज़बरदस्त आ रही है, बहुत बढ़िया रोड है यार, मस्त दिल बाग बाग हो जा रहा है देख देख के, क्या नज़ारे हैं भाई लोगों। बहुत तेज ला रहा है गाड़ी वाला भी, यहाँ पर स्पीड कवर अप हो जाती है, पीछे तो स्पीड ही नहीं बन पा रही थी, देख रहे हो बिल्कुल सुनसान सड़के भाई, पहाड़ों में ऐसे ही रहता है, कभी तो एकदम ट्रैफिक मिल जाता है और कभी दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। अल्मोड़ा 10 किलोमीटर, ये देखो जो डेली यहाँ पर ट्रैवल करते हैं उनको वेट करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बहुत टाइम टाइम के बाद आता है, काफ़ी टफ लाइफ है बिल्कुल यार, चैलेंजिंग लाइफ।
गोलू देवता के मंदिर पे हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारे भाई लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज काफी चहल पहल दिखाई दे रही है कल के कंपैरिजन में। ये बंद कर दिया यार आज, है ना? हाँ, निकल रहे थे इधर से हम, आज काफी रौनक लग रही है, कल तो हम लेट हो गए थे, तो अभी निकलते हैं, बस हाथ जोड़ रहे थे। चलो भाई यहाँ पर हाथ जोड़ेंगे भाई, क्या बात है भाई, मजे ले रहे हैं लोग तो, यहाँ तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं भाई। चलो चलो चलो, तो अभी हम लोग हैं भाई अल्मोड़ा शहर में और यहाँ की गलियों में हम लोग भटक रहे हैं। यहाँ की बाल मिठाई के बारे में बहुत सुना है तो यहाँ से जरा हम बाल मिठाई परचेस कर लेते हैं। बाल मिठाई हमने ले चुके हैं हम और अल्मोड़ा की रोड से हम निकलते हुए यहाँ पर बैग बिल्कुल फुल हो रखा है यार, बड़ी मुश्किल से 3 बॉक्स एडजस्ट हुए हैं, बैग हो रहा अंकल बहुत बड़ा। यार लिफ्ट बहुत मांगते हैं यार लोग, लेकिन ये नहीं देखते, उनको लगता है कि बस सिंगल पर्सन है और पीछे वाली सीट पे इतना बड़ा बैग रखा हुआ है ना, कहाँ से लिफ्ट दे पाएंगे। भाई इस बैग में है क्या तुम्हारे? लूट मचा दूंगा लूट। ये बैग बहुत बड़े हो रहे हैं तुम्हारे, हल्का कर दूं। इन सब के बैग में जो है बाल मिठाई है। और भाई मिठाई तो हम कितने दीवाने हैं हम कि लूट मार भी कर सकते हैं मिठाई के लिए, मिठाई के लिए, हाँ बाकी और किसी चीज़ के लिए नहीं। भाई हमारे यहाँ की ब्यूटी को निहारते हुए एक रूट बाहर से भी है यार, लेकिन शहर से निकल के जाने का मज़ा ही कुछ और है।